हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओम नमः शिवाय। एंड सब लोगों को कैसे हैं आप सब लोग बताइए। आज का मैसेज जो है यूनिवर्स का ही है, और उसके बाद में ड्रीम्स के थ्रू भी यूनिवर्स ने कुछ चीजें बताई है जो आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, वो भी मैं बताऊंगी। यूनिवर्स कहते हैं कि यूनिवर्स, ईश्वर बोलो, यूनिवर्स बोलो, आपके फेवरेट गॉड बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, तो उन्हीं के तरफ से आपके लिए मैसेज है कि सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको जानिए और उसको समझिए बस। लेकिन उसके बारे में हर वक्त चिंतित ना रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके चारों ओर हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई अपना करियर बनाना चाहता है, या फिर फैमिली मेंबर्स में से किसी का कोई इशू हो सकता है, किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हर इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम रहेगा। आई होप सो आपको आवाज आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होंगी आपकी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होंगी, तो वो प्रॉब्लम को, सारे प्रॉब्लम्स जो भी है उसको जानना और उसको समझना जरूरी है। लेकिन उसके बारे में ही सोचते नहीं बैठना है, उसको जानना और समझने के बाद में सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में ही सोचिए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चिंतित इसलिए मत रही है, मनन और थिंकिंग इसलिए मत कीजिए कि प्रॉब्लम्स है मेरे चारों ओर। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम को ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जब आप सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम्स को जान लिया, समझ लिया, उसके बाद में आपने सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में ही सोचना है। सॉल्यूशंस के बारे में जब सोचोगे तो आप सॉल्यूशंस को ही अट्रैक्ट करोगे। उस पे ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना जरूरी है। अपनी समर्थता, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रांगनेस को पता लगाइए। आपके खुद में क्या है, आपके स्ट्रांग, आप किन चीजों में स्ट्रांग हो, आपके वीकनेस को भी पता लगा के उनको स्ट्रांगनेस में कन्वर्ट कीजिए। आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फैमिली हो सकती है, आप खुद के अंदर में क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है आपका स्ट्रेंथ, आपका पॉजिटिव थॉट्स हो सकता है आपका स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ आपके यूनिवर्स ही है, कि आपका विश्वास ही आपका, आपका विश्वास जो यूनिवर्स के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, वही आपका स्ट्रांगनेस हो सकता है। तो आपका जो स्ट्रांगनेस है उसको पता लगाइए। हर इंसान का स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन हमारे ट्विन्स का सबसे कॉमन जो बेसिक चीज है कि हमारा ट्रस्ट हमारे भगवान पे, जो हमारा ट्रस्ट है और जो खुद पे ट्रस्ट है, वो हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रेंथ हर किसी के पर्टिकुलरली, हर किसी का पर्सनली अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं इंसान में, तो वो आपको जानना है। क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि आगे आप लोगों को इस कदम पे, हर कदम पे कोई भी सॉल्यूशन अगर निकालना है तो आपको पहले खुद का भी एनालाइज करना जरूरी होता है कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम में कुछ वीकनेस है तो उसको चेंज करना है, उस वीकनेस को रिजेक्ट करके बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? अपना इनर वर्क करके। इनर वर्क कैसे करना है वो मैंने बताया, अपना शैडो वर्क करके। शैडो वर्क कैसे करते हैं? जो भी हमारे इसमें बुरा है, जो भी हमारा जो वीकनेस है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी कोई अगर बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो ये सारी चीजें जो है, यही चीजें तो हमारे लिए वीकनेस बन जाती है। और फिर हमारे इनर वर्क में भी कोई लेजीनेस हो सकता है, तो उन चीजों को हटाना है धीरे धीरे करके। तो वो उनको कैसे हटाएंगे? पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ साथ में कुछ जो भी हमारे इसमें वीकनेस है उनको लिखकर उनको जला दीजिए। इससे भी हमारा जो वीकनेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, वाटर अफर्मेशन में भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, और दिन में उठते समय और रात को सोते समय भी अफर्मेशंस अच्छे अच्छे वाले, और अच्छे अच्छे काम करते हुए जो है, इस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथनेस को बढ़ा सकते हो। आपके स्ट्रांग बनोगे और ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे और बैलेंसिंग में आते जाओगे। और जो भी है मेडिटेशन से, तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्ट्रांग तो बनते ही जा रहे हैं।
एब्रेवेशन में तो रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्स आपको ये कहते हैं कि उस समय को कैसे हल करे इसका विचार कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उस समय आप उन समस्याओं को कैसे हल करे, अपने स्ट्रेंथ को पता लगा के कैसे हल करे, ये महत्वपूर्ण है। और कभी भी किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, इसका घमंड कभी किसी को नहीं होना चाहिए। ये तो एग्जांपल बता रही हूँ, कोई भी चीज का घमंड कभी भी इंसान में नहीं होना चाहिए, वरना जीतने वाला इंसान भी हार जाता है। जब किसी इंसान में अगर घमंड आ गया, ठीक है, तो वो जीतने वाले इंसान भी हार जाते हैं। तो घमंड, वो प्योर सोल में घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो हमें तो प्योर सोल ही बनना है। तो किसी बात का अगर हमें घमंड है, मैं ही हूं, मैंने ही कर दिया, कि मैं ही ग्रेट हूं, मतलब ग्रेट होना अच्छी बात है कि मैं ग्रेट हूं, अफर्मेशंस बोलना भी चाहिए, लेकिन मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं, ये जो होता है ना, सिर्फ मैं वाला जो चीज होता है, ये घमंड वाला होता है या ईगो वाला होता है, तो ये गलत है। तो ये घमंड कभी भी इंसान में नहीं होना चाहिए। ये यूनिवर्स को कहना है कि किसी के भी अंदर अगर घमंड है तो वो धीरे धीरे खत्म करो। ये एक हमारा इशू ही होता है, घमंड जो होता है, ईगो, घमंड, अहंकार, जो चीजें होती है, यही तो होती है हमारे ब्लॉकेजेस एक प्रकार के, तो जो कि हमें यूनिवर्स से भी और अपने डीएम से भी दूर करती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें नॉर्मली पता होकर भी हम चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन चीजों को सबको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और ये भगवद गीता में भी इन्हीं चीज का पहले अध्ययन में इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है कि इन चीजों को हमें चेंज करना जरूरी होता है। हर इंसान किस प्रकार से होना चाहिए उस पर भी बताया गया है, यही चीजें कुछ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था सबको जानना। और उसी के साथ में ड्रीम के बारे में बता रही थी कि कुछ ऐसे हो सकते हैं, किसी पे भी ड्रीम के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ऐसे अटैक हो सकते हैं किसी पे भी, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज था, ठीक है। अभी जो मैंने इतना बताया कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सोल्यूशन कैसे देखो, वो भी कनेक्टेड है ये सपने से। ये जो मुझे मिला है कि आप सब लोग भी मुझे वो ड्रीम में दिखे थे, तो आप सब लोग बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन थी, डिवाइन मैस्कुलिन थे वहां पे, जो कि दो दिन हो गए, परसों भी मुझे ऐसा ही ड्रीम आया और कल भी ऐसा ही ड्रीम आया कि कुछ ऐसे ब्लैक एंटिटी अटैक कर रही है, ठीक है, कि जिससे बचना जरूरी है। तो सपने में हम सब लोग थे और फिर ऐसे ब्लैक एंटिटी किसी प्रकार से अटैक करने की कोशिश कर रही थी, तो हम लोग भगवान को याद कर रहे थे, ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, और ओम नमः शिवाय से बोल बोल के हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अदृश्य शक्तियां थी कुछ जो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स, परसों भी इसी प्रकार का सपना आया और कल भी इसी प्रकार का सपना आया, तो कहीं ना कहीं मुझ पे भी यही सुबह के वक्त आया, लेकिन ये सपना इसीलिए ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कुछ अटैक हो रहे हैं जिससे आप ये प्रोटेक्शन की वजह से बच रहे हो, तो अपना प्रोटेक्शन और अच्छे से लेना जरूरी है, ठीक है। मैसेज क्या है कि अपना प्रोटेक्शन जो है और अच्छे से लेना जरूरी है, ऑरा क्लींजिंग और अच्छे से करना जरूरी है, रोज स्पिरिचुअल बात करना बहुत जरूरी है, घर में पोछा जब लगाते हो तो नमक का पानी से पोछा लगाना बहुत जरूरी है। तो ये
ये मैसेज जो था ड्रीम में कि हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते जा रहे थे, और हमें कोई अदृश्य शक्ति हमें डराने की कोशिश कर रही थी, बट वो डरा नहीं पा रही थी। ठीक है, भले ही हम थोड़ा बहुत उस सपने में भी डर रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन हमने अपने भगवान पे पूरी श्रद्धा रख के हमने कंटिन्यूअसली क्या किया, जप करते रहे सपने में। सब लोग थे, आप सब लोग भी थे, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी थी वहां पे, आप भी थे। तो हमें यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं इस सपने के थ्रू कि अपना प्रोटेक्शन और स्ट्रांग बनाइए। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से लिए, तो परसों से शुरू हो गया ये। ठीक है, तो आज भी आज ये करिए आप, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ओरा क्लिंजिंग बहुत अच्छे से कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो अपने लाइफ में ये जो इश्यूज है, जो इससे पहले मैसेज यूनिवर्स का मिला है आपको कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, एक बार क्या होता है कि भगवान ना सब प्रकार से हमारी हेल्प तो करते, लेकिन बीच बीच में परीक्षाएं लेते हैं, अपने को पता है ना। लेकिन वो परीक्षा के बाद में जो रिजल्ट, अगर हमने फिर से कंटिन्यूअसली हमें अपने भगवान पे पूरा भरोसा रख के, हम ट्रस्ट नहीं छोड़ते भगवान पे, पूरा ट्रस्ट उस क्षण भी रखते कि हमें बहुत बड़ा झटका लगने के बाद में भी। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ कि मैं एक बार हुआ ऐसा कि मैं पूरी तरह से इस जर्नी में हूं करके भी पता चल गया, और सब कुछ कर रही थी, लेकिन एकदम से झटका, एकदम से भगवान ने ऐसा झटका दिया कि भगवान पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा झटका दिया। फिर भी उस सिचुएशन में भी फिर नहीं, भगवान तो है, भगवान तो मैं बचपन से भगवान को मानते आ रही हूं, तो वो सिचुएशन ऐसी जानबूझ के लाते हैं, तो किसी को भी ऐसा झटका लग सकता है। तो इससे तुम सब, आप सब लोग ना थोड़ा सा जानकारी में रहिए कि कभी भी कोई झटका लगा है, तो कितना भी बड़ा झटका लगा है, तो भी हमें ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पे, अपने फेवरेट गॉड पे, अपने एंजल्स पे पूरा विश्वास रखना है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अपना ओरा क्लिंजिंग बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अपना ओरा प्रोटेक्शन स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड स्ट्रांग बनाइए। ओके फ्रेंड्स, God bless you all, love you all.